और अब बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों पर लगातार प्रहार जारी है और इसी सिलसिले में सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। इसमें एक जवान घायल हो गया है और जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सेना की 22 RR, SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी जम्मू और कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को मार गिराया था, वहीं सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। मारे गए आतंकी का नाम जीनत इस्लाम है और वो जैश का आतंकी था और वो कई आतंकी हमलों और नागरिकों की हत्याओं में शामिल था। तो यहां पर सेना का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला है और यहां पर सेना की 22 RR, SOG और CRPF की टीम मौजूद रही और मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है और एक जवान यहां पर शहीद हुआ है। तो घाटी पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई खामियां ना रह जाए यहां पर।